हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप लोग पढ़ जाऊंगी। तो कैसे कि आपके पास इन्फिनिक्स का नोट 35G डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास इन्फिनिक्स का नोट 35G डिवाइस और आपसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। कैसे यहाँ पर आपका कोई भी सवाल हो सकता है कि हमारे डिवाइस में अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिक हीट हो रहा है, किसी का एक सवाल हो सकता है कि गेमिंग करते टाइम हीट या ओवर हीट हो जाता है, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाता है। तो कैसे यहाँ पर आपका कोई भी अलग भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको जो टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ उससे आपको फॉलो करना है और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट कभी भी नहीं होगा। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से कैवी सेटिंग बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कैसे यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीनों चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। क्योंकि कैसे यहाँ पर आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में करती हैं, जिससे आपका डिवाइस है ऑटोमेटिकली हीट होने लगता है। एंड कैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यानी कि पेटीएम वगैरह में आप जैसे ही लॉग इन करोगे ऑटोमेटिकली परमिशन ऑन हो जाता है, लोकेशन आपका, ऐसे वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है, इससे आपके डिवाइस में ये रन करते हैं और आपका डिवाइस हीट होने लगता है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डाटा को 24 घंटे ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। डाटा ऑन होने से आपको पता है आपका पूरा मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है, सारे मोबाइल के एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हर टाइम आते रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप डाटा को या मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी डाटा ऑन करना है, वरना कुछ लोग क्या करते हैं मोबाइल को पॉकेट में रखें बट उनका डाटा ऑन है, या मोबाइल को घर पर रखा है बट उनका डाटा ऑन है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। डाटा ऑन होने से आपका मोबाइल बैटरी बैकअप भी ख़राब हो जाता है, दूसरी बात आपका डिवाइस हीट होने लगता है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, डाटा को ऑन करके गेमिंग वगैरह, एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, डाटा को ऑन करके यहाँ पर क्या करते हैं, चार्ज पे लगा देते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, और चार्ज पे लगा के गेमिंग वगैरह भी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, तुरंत जाके चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में आपका जो मोबाइल की बैटरी है वो भी फट सकती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी मोबाइल हीट हो जाता चार्जिंग करते टाइम, और उस पर आप रनिंग प्रोसेस करोगे तो आपका मोबाइल ओवर हीट होने की वजह से बैटरी भी फट सकती है। तो आप कभी भी गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो चार्ज पे लगा के कभी भी गेमिंग वगैरह या डाटा ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे कभी भी नहीं लगाना है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिंपली अब आपको जाना है सेटिंग में। गाइस यहाँ पर जैसे आप सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी में आओगे, सेकंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपके डिवाइस के सारे एप्लीकेशन हैं वो लोड हो के आ जाएंगे, एक एक करके आपको सभी एप्लीकेशन पर, जैसे कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप में आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐप स्मार्ट पावर सेविंग मोड होगा, इसे आपको नीचे वाले पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड रनिंग इज प्रोहिबिटेड। इससे क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड रन करना बंद कर देंगे, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होंगे। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो, इससे आपकी बैटरी भी सेव होती है और आपका डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होने लगता है। तो आप इस सेटिंग को सभी एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हो जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, इसकी भी कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या कैंपस हो गया, या ड्राइव एप्लीकेशन हो गया, या और भी आप नीचे आते जाओगे आपको पता होगा आपके कौन कौन से एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि शेयरमी हो गया एंड बिडमेट हो गया, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, उन सभी पे आप फॉलो कर सकते हो। एक आ गई आपको प्रोफेशनल सेटिंग, इसमें आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलता है, तो आपका कोई गेम वगैरह जिसकी वजह से आपका डिवाइस हीट होता है तो उसे आप ऑप्टिमाइज पे लगा सकते हो यहाँ से, और आपका डिवाइस जैसे आप गेमिंग वगैरह करोगे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करने लगेगा। तो आपको चेक कर लेना है कौन कौन से आपके नोट ऑप्टिमाइज में डले हुए हैं, सिंपली आपको जाना है पैक। गाइस यहाँ पर इस सेटिंग को आपको फॉलो करना और आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे कमेंट करते हैं कि हमारा डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है। सबसे पहली बात, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं गेमिंग करने के बाद तुरंत ही जाके चार्ज पे लगा देते हैं, उस कंडीशन में आपका डिवाइस वो भी फट सकता है। तो आपको 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, उस कंडीशन में आपकी बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपका डिवाइस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं और उन्हें लगा हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, जाके चार्ज पे लगा देते हैं। सबसे पहली बात, जो भी चीज़ आपने यूज़ की है, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, अब आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और इन चीज़ों को आपने यूज़ किया यहाँ से आपको क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट नहीं होगा। एंड किसी किसी सवाल हो सकता है कैमरा यूज करते हैं या कोई गेम वगैरह यूज करते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट हो रहा है, उस एप्लीकेशन पे आपको जाना है, कोई सा भी हो सकता है, ऐप इंफॉर्मेशन में चले जाना है और यहां पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा और क्लियर की चेक कर देना है, उस एप्लीकेशन की एक तरह से क्लीन हो जाएगा, बग वगैरह जंक फाइल होंगी वो भी क्लीन हो जाएंगी। जो भी चीज़ आप यूज करते हो बिना कोई चीज़ लॉगिन, आपकी लॉगिन है वो लॉगिन रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है और क्लीन हो जाएगा वो एप्लीकेशन, भले ही वो कैमरा हो, गेम हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर क्लियर की चेक कर देना है उसमें जाके, सिंपली आपको जाना बैक।
तो गाइस यहाँ पर ये थी सेटिंग, इस सेटिंग को आपको फॉलो करना अब आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, एंड यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइस अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच क्लास की वीडियो में, बस इतना ही।